सो फ्रेंड, पेटीएम की तरफ से बहुत बड़ी खुशखबरी निकल के आ चुकी है नए यूजरों के लिए, और जो है पेटीएम में केवाईसी स्टार्ट भी होने जा रही है। काफी दिनों से जो काफी यूजर वेट कर रहे हैं, और पेटीएम को जो है एक पुरस्कार भी मिला है। तो हम आज की इस वीडियो में सारी चीजें जो है आप लोग को पेटीएम की ऑफिशियल साइट पे ले चल के दिखाएंगे, और पेटीएम ऐप में भी आप लोग को किस प्रकार से केवाईसी करनी है ये सब सारे तरीके भी बताएंगे। वीडियो कम्प्लीट देखना, चैनल नए आए तो सब्सक्राइब भी कर लेना। तो यहाँ पे चलिए सबसे पहले हम आपको क्रोम में लेके चलते हैं। आप देख सकते हैं पेटीएम की हम ऑफिशियल साइट पे है, paytm.com ब्लॉग, और यहाँ देख सकते हैं पेटीएम को अवार्ड भी मिला है यूपीआई के ट्रांजेक्शन के लिए। यहाँ पे पेटीएम अवार्ड, पेटीएम श्रेष्ठ पुरस्कार मिला है, और यूपीआई के ट्रांजेक्शन को लेकर श्रेष्ठ पुरस्कार दिया गया है डिजिटल पेमेंट के लिए। और यहाँ पे जो है काफ़ी ज़्यादा ये पेटीएम अभी यूज़ हो रहा है, और काफ़ी लोग जो है पेटीएम में केवाईसी करा के और जो है विदाउट केवाईसी भी यूपीआई के थ्रू पेटीएम यूज़ कर रहे हैं। काफ़ी अच्छा जो है ये पेटीएम को अवार्ड दिया गया है, और ये 2023 में ही पेटीएम को मिला है, और ये नया अपडेट है। पेटीएम के साइट पे आप लोग जाके भी देख सकते हैं, और यहाँ पे काफ़ी कुछ जो है नए नए चीज़ें अपडेट की गई हैं। और पेटीएम केवाईसी को लेके आप लोग जो लोग काफ़ी दिनों से फ्रस्ट्रेटेड हो, परेशान हो, तो जल्द ही आप लोग को जो है पेटीएम की तरफ से और भी गुड न्यूज़ निकल के आने वाली है। यहाँ पे वॉलेट भी आप लोग जो है यूपीआई के थ्रू यूज़ कर सकते हो, और काफ़ी कुछ जो है यहाँ पे पेटीएम में अपडेट दे दिया गया है, और काफ़ी दिनों से जो लोग जो है यूज़ नहीं कर पा रहे थे, तो आप पेटीएम में आप लोग यूपीआई के थ्रू यूज़ करिए। यूपीआई के थ्रू कैसे यूज़ किया जाता है मैंने सारी चीज़ें अपने चैनल पर वीडियो बना के ऑलरेडी डाल रखी है। नहीं आपको पता है तो आप लोग कोई अदर बैंक भी यूज़ करके पेटीएम यूज़ कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है। और मैं इसे जल्दी अभी अपडेट आया था तो मैंने सोचा कि आप लोग को ये वीडियो बना के दिया जाए, ताकि आप लोग भी इस नए न्यूज़ को जान पाओ। तो यहाँ पे पेटीएम को ये अवार्ड दिया गया श्रेष्ठ पुरस्कार, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से ये जो है मिला है पेटीएम को। और इसके बारे में और भी अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा, आप लोग हिंदी में इसे ट्रांसलेट कर लेना, जिस साइट पर आ जाना paytmblog.com। यहाँ पे इसमें बहुत सारी चीज़ें और नए नए अपडेट किए गए हैं, यूपीआई, एनईएफटी, बहुत सारी चीज़ें पहले से भी थी और अभी भी जो है इंटरफेस चेंज किया गया। पेटीएम ऐप को अपडेट कर लेना, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, मेरा बीसी एजेंट लिंक है और मेरे सब पे केवाईसी होती रहती है, इस वजह से मैं जो भी अपडेट आता है पेटीएम के बारे में आप लोग को सीधा आप लोग को बताता हूँ। और जो लोग यूट्यूब के बारे में कुछ जानना चाहते हैं और यूट्यूबर बनना चाहते हैं, तो आप लोग मेरे चैनल पर बने रहो, तो और कुछ भी यूट्यूब के बारे में भी मैं टिप्स दूंगा, और ताकि आप लोग भी एक यूट्यूब चैनल बना के यूट्यूब से भी अर्निंग कर पाओ। तो यूट्यूब पे भी बहुत सारे लोग अभी के समय में ग्रो हो रहे हैं, तो आप लोग को वीडियो एडिटिंग स्किल ये सब सीखनी है, थंबनेल वगैरह बनाना है, तो आप लोग चैनल पे बने रहो। यहाँ पे कैशबैक से रिलेटेड भी पेटीएम भी अपडेट दे रहा है, पेटीएम में काफ़ी सारे कैशबैक, लोन ऑफर, ये सब सारी चीज़ें आप लोग को मिल जाती है। मोबाइल ईएमआई, ये सब फाइनेंस पे भी यहाँ पे आप लोग ले सकते हो, और साथ में रेलवे टिकट ये सब बुक कर सकते हो। और यहाँ पे जो है आप लोग को कूपन कोड भी मिल जाते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं कैशबैक कूपन कोड। तो पेटीएम अभी के समय में काफ़ी ज़्यादा लोग यूज़ कर सकते हैं, और जो है कैशबैक पॉइंट भी मिल रहा है पेटीएम में। तो आप लोग जो भी प्रॉब्लम है आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हो, और पेटीएम के बारे में एड्रेस क्रॉस पेंडेज एड्रेस चेंज कराने के लिए आप लोग पेटीएम में केवाईसी करा के चेंज कर सकते हो, और नहीं तो आपको ये क्यूआर कोड लेटर जब आता है केवाईसी कराने जाते हो वहाँ पे भी बता के चेंज करा सकते हो, क्रॉस्पोंडेंट एड्रेस चेंज हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती। और भी कुछ अपडेट आपको रह गए तो लाइव वीडियो आएंगे, तो यहाँ पर देख सकते हैं केवाईसी कंप्लीट हो चुकी है। वीडियो अच्छा लगा लाइक करना, कुछ पूछना रहता है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।